तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इस पर आप स्टार लगा लेना, एक बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कैश कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर वन, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है ₹7 लाख, तो ये आपका मतलब बेसिकली प्रॉफिट है। आफ्टर कंसिडरिंग का बस मतलब ये है कि मतलब ये सब चीज़ें लेने के बाद, तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आफ्टर कंसिडरिंग से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो अब आप बताते रहो ये क्या है। नॉन कैश एक्सपेंस। गुडविल अमोर्टाइज्ड, ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। गेन ऑन सेल, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व, हाँ जी, तो ये बेसिकली है ट्रांसफर टू रिजर्व। उसको डिजाइनर अंग्रेजी में दे रखा है बच्चे को डराने के लिए। उसके बाद है नंबर टू, फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो यहां पर आपको कुछ करंट एसेट्स और कुछ करंट लाइबिलिटीज दे रखे हैं। क्लोजिंग ओपनिंग, वो तो हेडिंग है, बस आप मुझे ये बताओ कि ट्रेड पेबल क्या होता है? करंट लाइबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स, ठीक है ना? तो वो कुछ उसने जानकारी दे रखी। चलो तो करते हैं सॉल्व। तो बेसिकली हमें कैश फ्लो बनाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो अब कैसे करेंगे देखो। फिर से उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो आपने पहले सीखी। तो एक फॉर्मेट बनाओ। तो बताओ फॉर्मेट की स्टार्टिंग किससे होगी? NPBT, ठीक है इशिता रानी, NPBT, और इसके ब्रैकेट में लिखना है वर्किंग नोट। अब बताओ उसके नीचे ऐड क्या करना है? हाँ, मेन हेडिंग याद रखनी है, नॉन ऑपरेटिंग या ऑब्लिक नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है? उसके नीचे आप दो तीन लाइन छोड़ दो, ठीक है? हमेशा ऐसे ही करना जैसे मैं सिखा रहा हूं। फिर दो तीन लाइन छोड़ने के बाद लेस क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसके नीचे भी आप दो लाइन छोड़ दो, तो आपका इतने पड़ाव तक का आंसर आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? सही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना? कॉन्सेप्ट 2, OPBWCC शॉर्ट में। फिर इसके बाद का जो खेल तमाशा है वो क्या है बताओ? एड बैक क्या करना है इसमें? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। तो आप इस हेडिंग को याद रखना, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, और इसके नीचे दो तीन लाइन छोड़ दो। फिर लेस क्या करना है? इसका उल्टा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट, और इस हेडिंग के नीचे भी आप दो लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद और दो लाइन ऐसी छोड़ दो, मान लो कि टेक्स्ट टुक्स हो या कुछ भी ड्रामा हो। और फिर बेसिकली हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, जो किसका आंसर होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस फॉर्मेट को आपको बिल्कुल कंठस्थ करके रखना है, मतलब रट लेना है। हालांकि रट तो जाएगा इतने सवाल करते करते। तो हमें हर बार जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना होगा, हम इस फॉर्मेट का ही सहारा लेंगे, ठीक है? मतलब इस फ्लो का ही सहारा लेंगे, ये याद रखना है। और उसके नीचे आप वर्किंग नोट बना लोगे, क्योंकि NPBT हम कहाँ निकालते हैं? वर्किंग नोट में। तो इस तरह का फॉर्मेट रखना है। चलो तो अब आपसे पूछ के करें या सीधा चिपवा के करना है आपको? तो सर हमसे पूछ पूछ के करो आप।
तो आओ फिर आपसे पूछ के करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, कहाँ लिखना है इसे? हाँ, तो सबसे पहले हमेशा यहीं से शुरू करो कि प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आपको प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर 7 लाख। फिर इसमें बताओ क्या ऐड बैक करना है। आप अपने कॉन्सेप्ट में से देख सकते हो, आपको याद नहीं होगा। बताओ जी क्या ऐड बैक करते थे? मुझे तो दिख गया आइटम, ट्रांसफर टू रिजर्व। वेरी गुड। तो इसमें ऐड बैक करते थे ट्रांसफर टू रिजर्व 60, है ना? तो आप फॉर्मूले याद रखना, जनरल रिजर्व ट्रांसफर या ट्रांसफर टू रिजर्व 60। उसके बाद और क्या ऐड बैक करते थे? डिविडेंड पेड, वो है क्या? नहीं है। फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, इनकम, कुछ भी नहीं है, मतलब और कुछ भी नहीं है। तो आपका सीधा एनपीबीटी कितना आ गया? 7,60,000। ठीक है, तो इसे आप टॉप पे लिख लीजिए, 7,60,000 को एनपीबीटी, 7,60,000। अब उसके बाद है जी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस। अब ढूंढो कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस हैं, वो हमने मार्क कर लिए थे, मज़े आ गए। तो नॉन कैश में डेप्रिसिएशन और गुडविल अमाउंट है, तो इन दोनों को आप लिख लो ऐड करने वाली हेडिंग में। तो डेप्रिसिएशन लिख लो 40,000 उसके बाद गुडविल अमोर्टाइज लिख लो 20,000। क्या कह रहे मैडम? तो रिफंड ऑफ टैक्स तो मैडम इस सवाल में है ही नहीं, नशे की अवस्था से बाहर आए। आप शायद दूसरा प्रश्न देख रही होंगी, क्योंकि रिफंड ऑफ टैक्स होता तो कृष भाई अब तक बता चुके होते। ठीक है, क्लियर है मैडम? चलो, तो नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड हो गए। फिर माइनस है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो कौन सी है? सिर्फ आपकी गेन ऑन सेल। तो इसको आप माइनस कर दो, गेन ऑन सेल 90,000 को, यहाँ पर ये रहा नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन ऑन सेल 90,000। चलो, तो इतने पड़ाव तक का आंसर बताइए, 760 प्लस 60 820 माइनस 90 730। ठीक है, तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट टू तक ओके हो गए। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, पहले कॉन्सेप्ट वन एनपीबीटी, कॉन्सेप्ट टू ओपीबी डब्ल्यूसीसी। अब मैं नीचे का जो खेल है वो आपको सिखा देता हूं, वो सबसे आसान खेल है। आपको सिर्फ ये देखना है कि करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, बस आप मुझे एरो बता देना, बाकी काम मेरा है। जैसे पहला देखो ट्रेड पेबल, ठीक है, अब ये ओपनिंग में 75 है और क्लोजिंग में 50 हो गया, तो बढ़ा या घटा? कम हो गया, तो मैं ऐसा एरो लगा देता हूँ कम वाला। ठीक है, समझ आ गया आपको? इसी तरह अगला है ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग में है 60, फिर वो हो गया 75, बढ़ गया। वेरी गुड, तो क्लियर हो गया इसी तरह? नहीं तो अगला लास्ट तुम बताओ, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग में है 18,000, फिर वो हो गया 10,000, तो क्या हुआ, बढ़ गया कि घट गया? घट गया। ओके, तो इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, ये इस बात का सबूत हो गया। तो सबको क्लियर हो गया भाई बढ़ना घटना, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। ओके, चलो, तो अब आपको बस ये जो हेडिंग्स है इनका ध्यान रखना है। तो अब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अब जैसे पहली हमारी करंट लाइबिलिटी थी ट्रेड पेबल, वो क्या हो रही थी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो आप नीचे वाली हेडिंग में लिखोगे, तो आप यहां लिखोगे ट्रेड पेबल्स। अच्छा, तीनों ही नीचे आएंगे ट्रेड पेबल्स, तो कितने रुपए
हुआ डिक्रीज उसमें बताओ, कितने रुपए की गिरावट हुई थी? 25,000। तो आपको सिर्फ गिरावट लिखनी है कि कितने कम हुए ट्रेड पेबल, 25,000। अच्छा, फिर उसके बाद था अगला, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, मतलब करंट एसेट बढ़ गया 15,000। तो करंट एसेट बढ़ गया तो वो भी आपको देखो कौन सी हेडिंग में लिखना है, नीचे वाली हेडिंग में ये लिखा ना, देखो इंक्रीज इन करंट एसेट, तो ये भी आपको नीचे वाली ही हेडिंग में लिखना है। तो कितने रुपए इंक्रीज हो गए? 15,000। तो इसे भी आप लेस कर दोगे। तो समझ आ रहा है सबको किन्हें लेस करने? कोई भी करंट लायबिलिटी कम हो या कोई भी करंट एसेट बढ़ेगा तो आपको लेस करना है। और आखिरी है प्रीपेड एक्सपेंस, ये वाला करंट एसेट, ये कम हो गया। तो अब करंट एसेट अगर कम हो गया तो इसको कौन सी हेडिंग में लिखोगे? ऊपर वाली ऐड वाली हेडिंग में लिखोगे, क्योंकि करंट एसेट कम हो गया है ना, तो इसको आप ऐड वाली हेडिंग में लिखोगे। कितने रुपए कम हो गया था? 8,000। तो इसको आप ऐड करोगे। क्लियर हो गया? तो अब आप अपने फाइनल आंसर को निकाल सकते हो। तो 7,30,000 प्लस 8,000 738 माइनस 40,000, तो मेरा तो आ रहा है 698 पॉजिटिव। किताब वालों का क्या आ रहा है? 698 ही आ रहा है पॉजिटिव। तो अंग्रेजी शब्द क्या बनेगा? हाँ, फ्लो फ्रॉम, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस प्रकार से हम आंसर निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चार्ल्स लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,00,000। तो ये एक तरह से क्या है आपका? प्रॉफिट फॉर द ईयर बेसिकली, है ना, वही आफ्टर चार्जिंग, मतलब क्या क्या चीज़ें वो पे कर चुका, ये इन्फॉर्मेशन है सिर्फ। डेप्रिसिएशन 20,000, तो ये क्या है बताइए जी? वेरी गुड। एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है ये तो सिंपल है। उसके बाद गुडविल अमोर्टाइज्ड, ये क्या है जी? वेरी गुड, 7,000। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वेरी गुड, 3,000। फिर लिखा है अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इज चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, क्या क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स शोड एन इंक्रीज ऑफ 3,000, मतलब करंट एसेट बढ़ गया। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज ऑफ 6,000, करंट लायबिलिटी बढ़ गई। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज ऑफ 200, करंट एसेट बढ़ गया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज ऑफ 2,000, करंट लायबिलिटी कम हो गई। बस कह रहा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आइए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मेट हमें वैसे ही बनाना है, तो अब आप उसकी हैबिट डालो फॉर्मेट की। तो सबसे पहले बताओ इशिता रानी क्या लिखना है? हाँ वेरी गुड, तो अब तुम भी होशियार हो गई हो। NPBT, फिर उसके नीचे क्या ऐड करना है? नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस, वेरी गुड। फिर दो तीन लाइन छोड़ के क्या लेस करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इतने पड़ाव के आंसर को क्या बोलेंगे? अच्छा, तो तुम भी इस पे आ गए अब OPBWCC पर। ठीक है, OPBWCC, ठीक है, बाकी एग्जाम में नहीं लिखना, या पता चला टीचर को भी यही कह रहे हो, ये सब हमारा है, यहाँ का चलेगा, बस एग्जाम में पूरा ही लिखना है भाई, ये बात क्लियर है सबको? ये OPBWCC बस इस कमरे के लिए ही है, बाहर नहीं। अच्छा, OPBWCC के नीचे क्या जोड़ना है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। और दो तीन लाइन छोड़ के क्या लेस करना है? हाँ, ऊपर वाले का उल्टा, तो वो सिंपल हो गया।
फिर तीन चार लाइन छोड़ के अपना आंसर बना लेंगे। फिर उसके नीचे वर्किंग नोट, तो मैं वर्किंग नोट इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। NPBT निकालने के लिए है ना, तो NPBT हम अपना वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर वो तो गिवन था, कितने रुपए? 1,00,000। अब उसमें क्या ऐड बैक करते थे बताओ? वेरी गुड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000। तो NPBT कितना आ गया? 130। बस तो आपका NPBT का कॉन्सेप्ट वन तो आ गया, 130। उसके बाद जी NPBT लिख लो टॉप पे, 130। अब नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश खर्चे क्या क्या थे, आइए एक बार येलो करते हैं उनको। एक तो डेप्रिसिएशन और गुडविल अमोर्टाइज्ड, बस दो ही हैं, तो इन दोनों को लिख लो, 20 और 7। तो डेप्रिसिएशन 20 और गुडविल अमोर्टाइज्ड 7। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है जी? नीला कलर कर लेते हैं, गेन ऑन सेल 3,000, बिल्कुल सही। तो गेन ऑन सेल को माइनस कर लेते हैं इधर, 3,000। तो इतने पड़ाव का आंसर क्या आएगा? बताओ कितना? 270। क्यों 270 क्यों? मेरा तो आ रहा है 154। 154 ही तो आएगा, सीधी सीधी मैथ से। बुक को मारो गोली, बुक में बच्चा कह रहा है सर बुक वालों का आ रहा है 154, कहाँ आ रहा है 800, ये कह रहे हो? अच्छा तो भाई ठीक है, हमारा ये जोड़ के यही आ रहा है 154, गलत तो नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा अब पहचानो कि किसी करंट लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज हुआ या किसी करंट एसेट में डिक्रीज हुआ, तो वो मार्क करे थे ना हमने, आपने ऐसे बताया भी था। तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया था, देखो करंट एसेट बढ़ गया था तो ये तो नीचे जाएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल बढ़ गया था 6,000, ये ऊपर आएगा, तो ये लिख लेते हैं। तो ट्रेड पेबल बढ़ गया 6,000, तो ट्रेड पेबल 6,000 और ट्रेड रिसीवेबल नीचे लिख लो कितना? 3,000 है, ओके। उसके बाद जी प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट बढ़ गया तो ये भी नीचे ही आएगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस को नीचे ही लिख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस कितने रुपए बढ़ गया? 200। और आखिरी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कम हो गए, करंट लाइबिलिटी कम हो गई तो ये भी नीचे ही आएगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। तो अब आप इतनी गणित अगर सॉल्व करोगे, 154 में से 6 प्लस कर दो 160 माइनस 5,200, तो मेरा तो आ रहा है पॉजिटिव 154,800। तो किताब वालों का क्या आ रहा है? यही तो आ रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजी क्या बन जाएगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ठीक है, तो समझ आया आपको? अब बिल्कुल इसका जो जुड़वा भाई है वो मैं होमवर्क के लिए आपको दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल सेम इसका जुड़वा भाई, तो इसमें भी आपको कहानी उसी तरह की मिलेगी। दिख गया क्वेश्चन सेम? तो प्रॉफिट है, फिर कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं, डेप्रिसिएशन वही जनरल रिजर्व, वही गुडविल, वही गेन, फिर करंट एसेट में इंक्रीज डिक्रीज, है ना। चलो तो समझ आ गया इस तरह का क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कौन सी चिड़िया है बताओ? प्रॉफिट फॉर द ईयर, वेरी गुड। प्रॉफिट फॉर द ईयर को ही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कह देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट, ये इन्वेंट्री, ये क्या होता है जी? करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट, ट्रेड पेबल, और प्रोविजन फॉर टैक्स, वो तो स्पेशल आइटम है। तो इसको करंट लाइबिलिटी, मतलब अब मैं ये भी नहीं कहता कि मत मानना, तो आप कहोगे सर क्यों नहीं मानना है, तो होती है, लेकिन यहाँ पे मानने ना का मतलब है कि इसको वो बढ़ाना घटाना नहीं देखना, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स को तो आपको एक स्पेशल ऑलरेडी आइटम की तरह सिखा रखा है ना कि कहाँ जाता है, बताओ एक बार। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ लिखते हैं हम? वो एनपीबीटी वाले कॉन्सेप्ट में ऐड करते हैं, है ना। तो इसको वहीं पे डील करेंगे, इसको नहीं करंट लायबिलिटी वैसे समझेंगे कि बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। अच्छा फिर नीचे दे रखा है जी डेप्रिसिएशन, ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस, वेरी गुड। फिर आपको दे रखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ओ नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है ये, आप बल्कि इसको बोल सकते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, और क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। नॉन ऑपरेटिंग वाली तो फिर भी होता है कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम मिलना तो ये तो बिल्कुल ही वंस इन अ ब्लू मून वाली कहानी हो गई ना, कि कभी कभार ही आग लगेगी और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। उसके बाद जी गेन ऑन सेल, हाँ ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको आप कह सकते हो। ओके ठीक है, तो ये बातें हो गई, बस कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चल तो आपसे पूछ पूछ के करते रहते हैं, तो अब पूरा फॉर्मेट याद किस बच्चे का ये बताओ कॉन्फिडेंस से, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें तो पहले से घर से याद था, याद है मैडम? बताओ क्या सबसे पहले क्या लिखना है? एनपीबीटी, ठीक है ना, वेरी गुड। ब्रैकेट में लिख लिया वर्किंग नोट, फिर इसमें क्या जोड़ने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस, फिर क्या घटाते हैं, वेरी गुड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इतने पड़ाव का क्या आंसर आ जाता है? OPBWCC। फिर इसमें क्या जोड़ते हैं, बस ये नहीं याद हुआ सर, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, भाई एक याद कर लो, मान लो खाली इतना भी याद कर लो तो अगला उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज इन करंट एसेट, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो। और फिर दो लाइन छोड़ के लेस क्या कर दो, इसका उल्टा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और, हाँ बस, फिर चार पांच लाइन छोड़कर फाइनल आंसर आ ही जाएगा। फिर इसके नीचे वर्किंग नोट, ताकि हम अपना एनपीबीटी निकाल सकें। ओके चलो तो बताओ कृष बाबू कहाँ से शुरू करें? प्रॉफिट फॉर द ईयर, ओके तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है जी?
6,40,000 है ना, वो टॉप पे दिया था। अब देखते लेते हैं और पूछ लेते हैं आपसे, अब क्या ऐड बैक करते थे, कौन से साल वाला? वेरी गुड, तो ये इसका मतलब आपने सही चीज़ें याद कर ली। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला ऐड बैक करना है यहाँ पे 20,000। वेरी गुड, ठीक है। और माइनस क्या करना है? वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम। तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम मिला था ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम, हाँ 20,000, 50,000, तो वो माइनस करना है या ओके, बाकी और कोई आइटम है नहीं तो छोड़ देने का। तो कितना आ गया ये 610, तो आपका एनपीबीटी तो आ गया 610। अब इस एनपीबीटी को ऊपर लिख लिया 610, ठीक है। अब ढूंढो, वैसे तो बताए थे, अब नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस में क्या क्या है? डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं 55, और बस बाकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या है? गेन ऑन सेल, उसे माइनस कर लेते हैं 20,000। तो ओपीबी डब्ल्यू सी सी कितना आ गया? 6,45। अब आपको ढूंढना है करंट लायबिलिटी या करंट एसेट में जो बढ़ोतरी घटोतरी हुई। तो इन्वेंट्री देखो जी, 1,25 से 1,15 हो गई, कम हो गई 10,000 रुपये, करंट एसेट कम हो गया। तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर 10,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 1,10,000 से बढ़कर 1,50,000, 40,000 बढ़ गया करंट एसेट, कहाँ लिखेंगे? नीचे 40,000। ओके, क्लियर। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 से बढ़कर हो गए 20, 14,000 बढ़ गए, कहाँ लिखेंगे? नीचे प्रीपेड एक्सपेंस 14,000। उसके बाद ट्रेड पेबल 80 से बढ़कर 1,10,000 हो गए, लायबिलिटी बढ़ गई, कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो ट्रेड पेबल्स 30,000। तो क्लियर है भाई, यहाँ तक सबको बिल्कुल क्लियर? अब क्या माइनस करते थे लास्ट में? टैक्स पेड। वेरी गुड, टैक्स पेड। और टैक्स पेड ना दिया हो तो किसे मान लेते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से साल वाला? प्रीवियस ईयर वाला। वेरी गुड, तो टैक्स पेड यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है आपको प्रीवियस ईयर वाला? ये रहा देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 15,000। और एक चीज क्या ऐड करते थे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम करते थे या नहीं करते थे, कहीं गलत तो नहीं कह रहा? क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम? जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला कितने रुपए? 50,000। तो कितना आ रहा है पूरी गणित करके? मेरा तो आ रहा है 6,00,000
66,666 आ रहा है मेरा, तो फाइनल पॉजिटिव आंसर। किताब वालों का क्या आ रहा है? तो इसका मतलब किताब वालों ने भी सही किया है। तो ठीक है भाई, समझ आई स्टोरी? चलो, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब इस बार ध्यान से डिस्कस करना है, आपको आगे बढ़ाऊंगा इस सवाल में मैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है 10,000, ये तो चलो है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 2,000, ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस, वेरी गुड। बस आप आइटम पहचान लो, मेन काम वही है। फिर कह रहे सेकंड में करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस क्या क्या हैं, देख लेते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या है? करंट एसेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्या है? करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटी। इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। एक्सपेंस पेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट। एक्रूड इनकम, करंट, तो मैं भी लिख लूंगा, आगे बोलो। करंट एसेट, एक्रूड इनकम भूल गए, बचपन में सिखाया था पैसा मिलना चाहिए हमें, मिला नहीं। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो मेन काम बस यही था। तो अब आपको दे दिया जाए 5 मिनट, खेल आपको करना है, कौन बढ़ा कौन घटा, फिर उस हिसाब से प्लस माइनस करके अपने आप फिर मुझे निकाल के दिखाना आंसर। तो आप भी करो, मैं भी करता हूँ, फिर मुलाकात करते हैं 5 मिनट बाद। चलो तो देखते हैं जी। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी तो मार्क करवाई दी थी, तो अब देखो आपको 31 मार्च 2021 दे रखा है, तो ये है ओपनिंग क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, और 31 मार्च 2022 करंट ईयर है, ये है क्लोजिंग। तो अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग में है 14, क्लोजिंग में है 15, तो क्या हो गए? 1,000 बढ़ गए। तो अगर करंट एसेट बढ़ गया तो कहाँ लिखा आपने? नीचे लेस। ठीक है, तो बस इसी तरह तो सारे करने सबको। ओके, तो जो समर्थ ने कहा वैसे मैंने भी वही करा, बिल्कुल सही है। तो पहले देखो एनपीबीटी तो खैर कोई था नहीं, वो तो वही 10,000 एज इट इज था, प्लस नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा था? डेप्रिसिएशन, तो वो आ गया 2,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई थी नहीं, डैश छोड़ दिया, OPBWCC आ गया 12,000। उसके बाद देखो मेन हेडिंग जो है वो दिखा देता हूँ। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इसमें कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी बढ़ी और कौन कौन से करंट एसेट्स घटे वो आपने सही बताए थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये बढ़ गया था। ट्रेड पेबल बढ़ गया था, एक्सपेंस पेबल बढ़ गया था, और प्रीपेड एक्सपेंस कम हो गया था, ये करंट एसेट है। मैं लिख भी देता हूँ जिसे नहीं पता। तो ये तीन करंट लाइबिलिटियाँ थी जो बढ़ गई थी और वो करंट एसेट कम हो गया था। और लेस क्या क्या करा था? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया था, इन्वेंट्री बढ़ गए, अदर करंट एसेट बढ़ गए, एक्रूड इनकम बढ़ गई, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी करंट लाइबिलिटी कम हो गई। बस, तो मैंने सबको जोड़ के इकट्ठे बाहर ही 8,000 माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव 7,700। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे, फिर आपका है ये होमवर्क में। इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट यानी डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग। तो ये बेसिकली क्या दे रखा है आपको? प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर फाइनल डिविडेंड पेड, इसे क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। तो आप मुझे ऐसे ही सुना दो बस ओरली, है ना? फिर है होमवर्क क्वेश्चन वैसे तो। फिर है कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू पीएनएल, ये क्या है?
हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। उसके बाद डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गेन ऑन सेल, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से ईयर का माना जाएगा ये, और दोनों का ही क्या माना जाएगा, 1,10,000। याद आ गई स्टोरी? अच्छा नहीं, ये हटा देता हूँ प्रीवियस ईयर का। क्यों? जैसे ही मैंने स्क्रॉल अप करा तो मेरी नज़र कहाँ पड़ गई, इनकम टैक्स पेड पर। तो आपको इनकम टैक्स पेड दे ही रखा था, तो अब मैं ऊपर वाले को खाली करंट ईयर का ही मानूंगा। प्रीवियस ईयर वाले को तो हम कब पकड़ते हैं, जब हमें इनकम टैक्स पेड ना दिया हो। तो इसमें इनकम टैक्स पेड हमें गिवन है ऑलरेडी, तो अब हमें प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाले को नहीं यूज करना, तो हमें इनकम टैक्स पेड गिवन ही है ऑलरेडी। हाँ, तो हम इनकम टैक्स पेड जो है अब इसी फिगर को यूज करेंगे। अगर ये फिगर ना होती, मान लो ये छुपा देता हूं, जब ये फिगर नहीं होती इनकम टैक्स पेड की, तब हम प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का लेते हैं, तो मैं मानता कि वही फिगर प्रीवियस ईयर की भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने इनकम टैक्स पेड हमें दे ही रखा है, तो हमें इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है? ऐड नहीं है मैडम, ये डिविडेंड हमने पे नहीं कराया है, ये डिविडेंड हमने रिसीव करा है, तो ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, अगले चार तो बच्चों वाले, डिक्रीज इन करंट एसेट वो आप ऐड वाले में, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड वाले में, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस वाले में, और इंक्रीज इन करंट एसेट लेस वाले में। तो ये तो सिंपल कहानी हो गई OPBWCC के नीचे वाली। और इनकम टैक्स रिफंड, ये भी आपको पता ही है कि इसका क्या करना है। तो क्लियर हो गए सारे आइटम्स? तो बस इसमें आइटम्स डिस्कस करने थे मुझे मेनली, बाकी इसको आप ट्राई करना होमवर्क के अंदर ही। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 जो है वो बिल्कुल उसका जुड़वा भाई है 21, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। तो 20 मैं करवा देता हूँ, 21 जो है वो इसी की तरह है, मतलब जुड़वा भाई इन द सेंस सेम आइटम्स मिलता जुलता है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विश्वास लिमिटेड, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ PNL दे रखा है। सबसे पहले है RFO, ठीक है, उसके बाद है अदर इनकम का नोट नंबर 1। तो एक बार नोट नंबर 1 में चलते हैं। नोट नंबर 1 में आपको दे रखा है अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वेरी गुड। गेन ऑन सेल, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वेरी गुड। ठीक है, तो अपने मुद्दे के आइटम्स हमें ढूंढने हैं बस। उसके बाद एक्सपेंसेस में परचेज दे रखा है, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में चलते हैं। नोट नंबर 2 में हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 284 और क्लोजिंग में इन्वेंट्री दे रखी है 3,00,000। तो इसका मतलब क्या हो गई? इन्वेंट्री, करंट एसेट बढ़ गए, क्योंकि ओपनिंग में कितनी है 284 और क्लोजिंग में इन्वेंट्री कितनी हो गई 3,00,000। तो इसका मतलब आपका करंट एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये आप कहाँ यूज कर लोगे? वहां यूज कर लो। उसके बाद है जी डेप्रिसिएशन, ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंस का दे रखा है नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में देख लेते हैं। नोट नंबर 3 में है जी ऑफिस एक्सपेंस, ओके, सेलिंग एक्सपेंस, ओके, लॉस ऑन सेल, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमें अपने सिर्फ मुद्दे वाले आइटमों पर ही फोकस करना है। अब मुझे ऑफिस एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं है, ये बेकार है। सेलिंग एक्सपेंस से मुझे कोई मतलब नहीं है, बेकार है। तो हमें बस अपने आइटमों पर फोकस करना है। उसके बाद जी चलो टोटल एक्सपेंस वो तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स,
तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये कौन से ईयर का माना जाएगा? करंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर का भी यही माना जाएगा क्योंकि इनकम टैक्स पेड नहीं दिया है ना। और फिर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये क्या है बेसिकली? प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट। चलो तो ये हम कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। बस अदर इंफॉर्मेशन में क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में है जी क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ट्रेड पेबल्स, ये क्या है? करंट लाइबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी बढ़ी या घटी वो देख लेंगे। अच्छा, इस डैश का मतलब जीरो होता है, नील। चलो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आइए तो बस सुपर फास्ट तरीके से करते हैं। आइटम्स डिस्कस सारे हो ही गए, तो बस आपको आइटम्स का ध्यान रखना है, फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, और अपने आप चीज़ें पुट होती रहेंगी। तो NPBT, उसके नीचे एट नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इतने पड़ाव को बोल दिया OPBWCC। फिर उसके बाद एड, बताओ क्या था? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, वेरी गुड। लेस इसका उल्टा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। और फिर अपना 5-6 लाइन छोड़कर क्लोज कर दिया, जो भी बातें आएंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। फिर इसके नीचे वर्किंग नोट, तो हमें वर्किंग नोट से मेनली शुरू करना है। चलो तो फटाफट कर रहे हैं जल्दी से, फास्ट थोड़ा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बताओ सबसे पहले, 1,80,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना था? 64। और कोई आइटम है नहीं, तो NPBT कितना आ गया? 244। अब बस ऊपर चलते हैं और अपना मेन मेन बातें आपसे पूछ पूछ के लिखते रहते हैं। तो NPBT तो लिख लो 244। अब नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन सा मार्क करवाया था ढूंढ के बताओ? डेप्रिसिएशन 185, और एक और करवाया था नोट नंबर 3 में देखो। हाँ ये रहा ना, देखो देखो आपको सब मार्क करवाया था, ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 36,000। तो बस दो ही आइटम थे इसमें, एक डेप्रिसिएशन और एक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ढूंढो जरा, मार्क करवाई थी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नोट नंबर 1 में है ना, डिविडेंड रिसीव्ड और गेन 5 और 40। तो डिविडेंड रिसीव्ड 5 और गेन 40। उसके बाद इतने पड़ाव का आंसर क्या आ गया? 2। कितना आ गया जी? 290। बताओ 4,20,000, 4,20,000।
ठीक है अंगद बाबू। अब करंट लाइबिलिटियाँ और करंट एसेट में जो भी बढ़ा घटा वो बताओ। करंट लाइबिलिटी 28,000 रुपये बढ़ गई, क्या करेंगे? तो ऐड कर लो, उसके बाद करंट एसेट 37,000 रुपये बढ़ गया लेस। उसके बाद करंट लायबिलिटी 5,000 रुपये कम हो गई, क्या करेंगे? लेस। तो ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। उसके बाद करंट लायबिलिटी 3,000 रुपये बढ़ गई, ऐड। तो सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और एक और मार्क करवाया था मुझे, ऐसा याद आ रहा है, ये रहा देखो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी बढ़ गई? 16,000। तो ये कहाँ लिखेंगे? करंट एसेट बढ़ गया तो लेस। फिर उसके बाद और क्या लेस करते हैं सर? टैक्स पेड। और टैक्स पेड किसे माना जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स को ही ले लेंगे, प्रीवियस ईयर वाले को। और वो कितना है? 64, क्योंकि मार्क करवाया था ना कि भाई जो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होता है हम उसी फिगर को क्या मानते हैं? प्रीवियस और करंट ईयर, फिर वही मानते हैं, जब कुछ ना दे तो वही मान लेंगे बस। चलो तो अब ओपीबी डब्ल्यूसीसी तक तो आ ही गया था, अब इस पड़ाव का आंसर बताओ। 3,29,000 आ रहा है फाइनल आंसर पॉजिटिव, किताब वालों का क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो क्या अंग्रेजी बन गई? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो बस आपका होमवर्क आपको पता ही है कि क्या है, बेसिकली क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 21 तक बस जो बच गए वो करना आप आज। तो अब हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा पोर्शन कंप्लीट।